हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और व्लॉग शुरू करने से पहले जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और ना प्याज काट रही थी, प्याज की वजह से बहुत तेज है, आंखों में लगने लग गया। कहीं पर प्याज बहुत तेज होते हैं तो आंखों में जलन एकदम से करता है। और टमाटर, और हमारे यहाँ टमाटर का रेट पता है क्या, कल लेके आए थे मास्टर जी टमाटर, मतलब ये वाला टमाटर ठीक है तो इसका रेट है 80 रुपए किलो। और जो इससे अलग है तो थोड़ा सा इससे घटिया क्वालिटी के हैं तो वो है 60 रुपए किलो। इतना महंगा टमाटर है, कल डाला था कि परसों डाला था, मैंने एक शॉर्ट से डाला था जिसमें अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं महाराज जी कि ना, अगर जिसके में दिमाग होना चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस तो 10 रुपए या 100 रुपए से भी शुरू हो जाता है। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि अगर चलो टमाटर का बिजनेस करते हैं, किसी को ये कहते हैं कि लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं और चलो वो 10 रुपए भी दे देते हैं, 110 रुपए हैं और 110 रुपए में बिजनेस शुरू करके दो, महाराज जी ही शुरू करके दे दो, 110 रुपये तो कोई भी दे देगा। अगर मैं होती उसकी जगह तो मैं उसको ये कहती, आप 100 और 10 रुपए की बात कर रहे हो, मैं आपको 500 रुपए देता हूँ, 500 रुपए में बिजनेस स्टार्ट करके दिखाना कोई, तो नहीं होता भाई। समय के अनुसार ही बात करनी चाहिए। एक टाइम था जब 100 रुपए में और 10 रुपए में, हमारे टाइम में जब हम छोटे होते थे ना तो 25 पैसे की कितनी टॉफियां आ जाती थी। आज टाइम है नहीं, आज 5-10 रुपए से कम तो बच्चा मांगता भी नहीं है। हर किसी के परिवार में है, कहीं भी चले जाओ, किसी भी उसमें चले जाओ, नहीं है। एक पिज्जा खाने के लिए चले जाओ तो भाई जेब में सब नहीं ज्यादा ना तो 200-250 रुपए तो होने चाहिए तब पिज्जा खाया जाता है। 100 रुपए का वो तो आता ही नहीं है, अगर होगा तो बासी तासी ऐसा ही होता होगा भाई। तो वही बात है कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए की बात क्या कर रही है, ठीक है ना। और दूसरी जगह देखो, आज मैंने देखा अंडानी, उन्होंने अंडानी अंबानी पता नहीं कौन, बिल क्लिंटन पता नहीं किस किस के जिक्र कर दिए हैं। तो आज मैंने देखा उस पे थी इंस्टाग्राम पे किसी ने पोस्ट डाल रखी थी कि मोगरे के फूल जा कहाँ रहे हैं, तो उसमें पोस्ट में लिखा हुआ था, उसमें बकायदा फोटो लगा रखी थी कि जो मोगरे के फूलों से बनी एक ओढ़नी जो उनकी जो राधिका मर्चेंट है शायद उनकी, उसने ले रखी थी। मैं देख के हैरान, मैंने कहा ये देखो तो बड़े लोग हैं, इतने पैसा खर्च कर रहे हैं वो शादी पे और जियो के पैसे बढ़ा दिए, अब लोग BSNL को याद कर रहे हैं कि हाँ BSNL। और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्राइवेट स्कूल वाले भी ऐसे ही अपनी फीसें बढ़ाते रहेंगे और फिर याद आएंगे सरकारी स्कूल, ठीक है ना। तो ऐसा ही होगा, आने वाला टाइम ऐसा ही है, कहाँ पैसे हैं लोगों के पास, मारने वाला तो बात ऐसे ही मार देता है। तो चलो कोई नहीं, मैं बनाऊंगी आज शिमला मिर्च और टमाटर काट रही हूँ 80 रुपए किलो वाला, ठीक है ना। तो इसको बना लेते हैं पहले और फिर कोई और काम करेंगे, इतना भी नहीं आ जाएगा। और प्रियांशु को देखने गई थी, प्रियांशु सो रहे हैं, बच्चे हैं, दिन में 2-3 बार सो जाते हैं, इनकी जैसी लाइफ तो किसी की है ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलो मैं फटाफट काम करूँ, तो चलते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे, बाय। इधर देखते हैं क्या हुआ। ओह, ये अपना टप भरने पर लग गया, क्या करेगा निकली इसको भर के, नहाएगा क्या? हाँ। और तेरा भाई कहाँ जा रहा है, सो रहा है, उसको भी बिठा लियो इसमें। निकले रुकोते बस उतार दिए कपड़े, उतार दिए कपड़े, बच्चों की लाइफ बड़ी सही होती है, कोई फिक्र नहीं। बस वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हो बता दो, कहाँ जा रहे हो हैं? अच्छा, हमारी बेल प्रोग्रेस तो कर रही है बेचारी, जा तो रही है, देखो लंबी हो गई है ये, अब बाहर निकल गई है ये। क्या कर रहा है तू, कुछ भी नहीं कर रहा, पानी दे रहा है,
किसको? कूलर को। कूलर में पानी दिया नहीं जाता, कूलर में पानी भरा जाता है। कहाँ पे हैं? दिख ही नहीं रहे। ओए क्या कर रहे हो निखिल? पता नहीं क्या कर रहे हैं, दिख नहीं रहे, दिख नहीं रहे। बुला रही थी मैं, मैंने कहा चल इधर आ जाएंगे, इधर खेल लेता है वो छुटकू सा। अपने घर में नहीं इतना खेलता जितना यहाँ आके खेलता, अपने घर में तो चै चै मैं करता रहता है। तो चलो भाई आएगा अभी थोड़ी देर में। निखिल ये क्या है, ट्यूशन पढ़ रहा है क्या है? कितने बच्चे आए थे ट्यूशन पढ़ने? हैं? अच्छा ट्यूशन किन्ने पढ़ाया था? किसने? इसने ट्यूशन पढ़ा दिया है? ओहो इसने कब से ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा है? ये देख लो गाइस कैसे चद्दर चुद्दर बिछा के बैठे हुए हैं, जैसे पता नहीं कितने ट्यूशन आई होंगे पढ़ने। अनु कह रहे इनने पढ़ा दिया। आप तो पढ़ ले पहला नंगा। ओ नंगू ओए। रुक जा तू, रुक जा। वो बंद कर दे, कर दे बंद। क्या कर रहा तू? क्या खाला? ओ तेरी आज क्या बनाया? शिमला मिर्चा। तूने क्या बना रखा? घिया दाल है ना, घिया दाल बना रखी है। खा ले खा ले खा ले, मैं भी खा लूं। ओ प्रियांशु ए मैं भी खा लूं। अच्छा अरे ये तो बड़ा छियाना बच्चा है यार, ये तो बड़ा छियाना बच्चा है। दे देगा मेरे को दे देगा। अरे ये तो बड़ा छियाना बच्चा है, ये तो देर तक कह रहा तू खुआ दे गंदा। ये गंदी है, गंदी गंदी सी गंदी। अब तो तेरा आएगा। हाँ पानी कह रहा, पानी की बोतल खोल दे लुच्चा। लेके आया अभी ने मैगी है, चौमिन ना, चौमिन लेके आया। चौमिन मैगी कह रही हूँ, मैगी तो इसने परसों खाई थी, चौमिन लेके आया। और इधर दीक्षा का ये कॉल आई हुई है, मैं दीक्षा से बात कर रही हूँ। और ये ना देखने ये मैगी लेके आया है, मैगी ये चौमिन है। हाँ सही है, चौमिन लेके आया। मैं भूल जाती हूँ और मैं इसको ना चेक करके देखूँ चेक करके थोड़ी सी लूंगी, क्यों नहीं तो फिट कह रहा। ला दीक्षा तुम भी ले ले, आ उल्टी करते। कैसे हैं? दो चम्मच ले लिए। दो भी ज्यादा स्वाद नहीं है, मिर्चें इतनी तेज है ना इसके अंदर, बहुत तेज। डैडी नू दे दे इस माते दो तीन चम्मच पकड़ो, कभी सारे खावा। ये थोड़ी सी ले लेंगे, सुनते नहीं मैं न्यू कह रही, इसमें से दो तीन चम्मच ले लो, बहुत तेज मिर्चे हैं, ये कैसे खाएगा? जब पानी ले आ, पानी पानी तो ले आ। अरे भी मिर्चे लगेंगे मेरे को पता है ना। क्या चल खा ले, चल ऐसे ही खाएगा क्या? नहीं कुछ क्या देख रहा अब, अरे ये ऐसे ही खाएगा, इसके साथ बोलना अभी कोई बोल गया टीवी देखना इसने, चल बैठ के खा ले चल चल। हाँ मैं दे रही हूँ, चल ठीक है। इन्नू तोड़ कस मिर्चा नहीं है तेज। चल सो गाइस अभी हम करेंगे दूध गरम पीने के लिए, वीने को देंगे, वीने के डैडी को देंगे और मैं भी पीऊंगी भाई, ठीक है ना? तो कौन पीना है ना, पीना है बेटे दूध तो जरूर पीना है, दूध के बिना कुछ नहीं है। तो
बात ये है कि अब टाइम हो चुका है, पूरे 9:30 हो गया है ना, 9:30 हो चुके हैं और अभी दूध गर्म करके पी के सोएंगे। तो आप भी रेस्ट लीजिए, तो कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और बाय।